अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक फूड रिव्यू व्लॉग है। जैसे कि रावलपिंडी रहने वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कमर्शियल मार्केट में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है ज़ैफीज़ के नाम से। तो आई थॉट कि वहाँ चलते हैं, वहाँ का फूड ट्राई करते हैं और फिर आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करते हैं। तो जी, हम रात को निकले और ये हम ज़ैफीज़ पहुँच चुके हैं। ओवरऑल एनवायरमेंट वॉज गुड, बट अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट एनवायरमेंट था तो ऐसा नहीं था। बिकॉज मुझे इनकी एक चीज़ बहुत बुरी लगी है, वो ये कि इनका फूड एरियाज जो थे वो डिफरेंट थे थोड़े से। एक ऐसे कैफे टाइप स्टाइल में बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर ये येलो चेयर्स लगी हुई हैं, और एक इनका ओपन एरिया था और एक जो था वो इनका शेडेड एरिया था। तो शेडेड एरिया में इनके लाइक एंटर होते ही सामने पहले आपका आ जाता है ओपन किचन, एंड देन आपकी वहाँ पे सिटिंग्स है। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि जहाँ पे आप कुक कर रहे हैं वहीं पे आपने साथ में लोगों को बैठने की जगह दी हुई है। काफ़ी इरिटेशन वाला माहौल था अंदर की तरफ, लेकिन बाहर द एनवायरमेंट वॉज वेरी कोजी एंड आई लाइक इट। उसके बाद जी हम लोगों ने ऑर्डर किया फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस एंड साथ में चिकन मखनी, और उसके साथ जो थर्ड डिश हमने ऑर्डर की थी वो थे सीख कबाब। तो मुझे चिकन मखनी सीख कबाब तो काफी अच्छे लगे, इनके जो एग फ्राइड राइस थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे। वो इस वजह से कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे चावल कच्चे रह गए हैं थोड़े। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, मैं इसको 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगी। आप लोग जाएं मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको वहां जाकर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि नेक्स्ट मैं किस रेस्टोरेंट पे अपनी वीडियो बनाऊं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।